लॉकडाउन के दौरान कालका जी में कोविड मरीजों को घर तक श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट पहुंचा रहा है खाना। लगातार लॉकडाउन के चौथे दिन भी जारी है मरीजों को घर तक खाना भेज रहा। दिल्ली में लगातार कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें कई लोगों को घर में खाना बनाने में मुश्किल होती है या फिर कई लोग अकेले होते हैं या फिर खाना नहीं बना पाते। उनकी सेवा में लगातार कालका जी में कोविड मरीजों को घर तक श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट खाना पहुँचा रहा है। लगातार वह कालका जी एरिया में जो कोविड मरीज हैं उनकी सेवा कर रहा है और खाना लगातार उन तक पहुंचा रहा है, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोविड मरीजों की संख्या बढ़ जा रही है और कई कोविड मरीज ऐसे हैं जो घर में अकेले रहते हैं या फिर घर में बाकी लोग असमर्थ होते हैं उनके खाना बनाने के लिए। इस दौरान क्रूरदास अमर सेवा ट्रस्ट ने ये बीड़ा उठाया कि कालका जी इलाके में आसपास कोई भी कोविड मरीज होता है तो उनके घर तक वह खाना पहुँचाएंगे और उनकी जिस तरह से लगातार सेवा करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए लॉकडाउन का भी निर्णय लिया गया था और आज उसका चौथा दिन है और चौथे दिन भी लगातार श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट कोविड मरीजों के घर तक खाना पहुंचा रहा है और उनकी पूरी तरह से सेवा कर रहा है। तस्वीरें कालका जी गृहनगर के गुरुद्वारे की देख रहे हैं, जहाँ पर किस तरीके से सभी बड़े बुजुर्ग बच्चे खाना बनाने में और पैकिंग करने में लगे हुए हैं, क्योंकि लगातार उनका लक्ष्य है कि जो भी कालका जी या उससे सटे इलाके में कोई भी कोविड पेशेंट है जो असमर्थ है खाना बनाने में या उन तक पहुँचने में, तो वे लगातार उन तक यह भोजन पहुँचा रहे हैं और उनको सुबह शाम का खाना जो है इनकी तरफ से कोविड मरीजों को दिया जा रहा है और लगातार लॉकडाउन के चौथे दिन भी ये अपना कार्य कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सभी लोग डर हुए हैं और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का कहना है दिल्ली में इस समय ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है और लगातार कोविड मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। उसी बीच कोरोना के दौरान कोविड मरीजों की मदद करने के लिए श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट सामने आया, जो लगातार अपने इलाके में उन कोविड मरीजों की मदद कर रहा है जो असमर्थ है उनको खाना पहुंचाने में उनकी मदद कर रहा है। लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे सभी बड़े बुजुर्ग सभी महिलाएं यहाँ पर लगातार उनकी सेवा करने में लगी हुई हैं, खाना पैकिंग करने में लगे हुए। मैं जानना चाहूँगा सर, कब से ये चल रहा है, आपने कब सोचा था कि इस तरीके से सेवा करनी है लोगों की? ये तो जो पीछे लॉकडाउन पहले लगा था ये सेवा तब से ही स्टार्ट है और इस बार तो बहुत ज़्यादा कोविड पेशेंट है और उनको घर में खाना बनाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी। इसलिए फिर हमारी पूरी टीम जो हमारे सेवादार हैं सबने हमने मिलकर सोचा भी दोबारा से शुरू करो, क्योंकि किसी को कोई खाने की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जितना हमसे हो पाए इलाके में कितनी कितनी जगह है आपकी ये सेवा पहुंच? हमारा यहाँ से लाजपा नगर और मालवीय नगर, शेखसराय, साकेत, ये सारी जगह पर हमारा जितने भी लोग हैं कम से कम यहाँ पे 250 के करीब बनता है। कितने पैकेट रोजाना पैक होके चले जाते हैं मरीजों? 200 से ऊपर पैकेट बनते हैं रोज। हाँ जी, उसमें क्या क्या होता है? कोई न्यूट्रिशन के लिए कभी बढ़ाने के लिए ज्यादा दबाव दिया गया है, कभी छोले, कभी दाल और एक सब्जी और, कभी आज शिमला मिर्च की सब्जी बनी है और हलवा भी बना है और जैसे कई मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें रोज चेंज होके बनती है जो भी बनती। कितना जरूरी समझते हैं कि इस समय आप इन मरीजों का सहारा बने जो कोविड मरीज हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं? हाँ जी, किस तरीके से महसूस करते हैं कि इनका सहारा बन रहे हैं? हमने अपने व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना रखा है गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट और कालका जी मित्र परिषद मिलके और सारी जगह हम सप्लाई करते हैं और यहाँ गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी का हमें बहुत बड़ा सहयोग है जो हमारे को गिरिनगर गुरुद्वारे का बहुत बड़ा सहयोग है जिसके कारण हम इतना कर पा रहे हैं। जिस तरीके से आपने सुना श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोगों ने बताया, लगातार अपने इलाके में कोविड पेशेंट्स की वो मदद कर रहे हैं, चाहे वो खाना बांट कर करें या फिर और भी कोई सेवा अपने द्वारा कर रहे हैं। लगातार दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए
लोग अब सावधान हो रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं, और इस तरह की जो सामाजिक सेवा संस्था वो भी लगातार अपना काम कर रही हैं, लोगों को अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं गौरव शर्मा, आरएसएन न्यूज़, दिल्ली।